सबसे खूबसूरत सांसद नवनीत कौर राणा, इनकी सदस्यता खतरे में। फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला आया सामने। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें, राय दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसे शेयर करना ना भूलें। नवनीत राणा यह निर्दलीय सांसद है, महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा क्षेत्र से वो चुनकर आई है। और आपको बता दें कि यह जो लोकसभा क्षेत्र है यह शेड्यूल कास्ट रिजर्व क्षेत्र है। यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट थी और यहां से नवनीत राणा यह जो है वो चुनाव जीत कर गई। अब आपको ये बात बता दें कि मुंबई हाईकोर्ट ने एक सवाल खड़ा किया है। सवाल यह है, उन्होंने पूछा है कि आपकी जो जाति प्रमाण पत्र है उस जाति प्रमाण पत्र पर सवाल खड़े किए हैं। आपको यह भी बता दूं कि इतना ही नहीं, मुंबई हाई कोर्ट ने उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द ही कर दिया, साथ ही 2,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। आपको बता दें कि नवनीत राणा, इन पर किसी ने जनहित याचिका दायर करके यह कहा है कि इनका जो जाति प्रमाण पत्र है वह फर्जी है, वह झूठा है और इन्होंने स्कूल के झूठे डॉक्यूमेंट्स देकर यह प्रमाण पत्र बनाया है। आपको ये बात बता दें कि नवनीत कौर राणा, इन्होंने अपना जो प्रमाण पत्र है वह शेड्यूल कास्ट का बनाया और उन्होंने अपनी जाति यहाँ पर चर्मकार बताई है, मोची जाति का उन्होंने बताया है। आपको बता दें कि वह पंजाबी परिवार से है और साथ ही वह एक अभिनेत्री भी है और इसके बाद उनकी शादी होकर वो महाराष्ट्र में आती है और अमरावती से, उस क्षेत्र से, वो शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट से चुनाव लड़ती है। अब सवाल यह है कि शेड्यूल कास्ट के लिए वो रिजर्व सीट थी और शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीट पर नवनीत राणा चुनाव लड़ी। अब जिस प्रमाण पत्र के भरोसे वो चुनाव लड़ी, अब वही प्रमाण पत्र जो है वो झूठा साबित हो गया है, फर्जी साबित हो गया। तो इससे उनकी जो सदस्यता है, सांसदी जो है वो अब उनकी खतरे में आ चुकी है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि अपनी समस्याओं के ताला अगर आपको खोलना है तो आपको संसद में जाना पड़ेगा और संसद के मंदिर पर आपको कब्जा करना पड़ेगा और वहां जाने के लिए आपको अलग अलग समाज से प्रतिनिधित्व करते हुए चुनाव जीतकर वहां पर जाना है। आपको बता दें कि शेड्यूल कास्ट सीट से जाने वाला व्यक्ति यह शेड्यूल कास्ट के समस्याओं को लेकर बात करेगा, शेड्यूल कास्ट के सामाजिक, आर्थिक और तमाम सारे सवालों पर वो बात करता। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट पर फर्जी शेड्यूल कास्ट की सर्टिफिकेट बनाकर नवनीत राणा कौर जो है वो यहाँ से चुन के आती है और वो जाकर संसद के अंदर बैठती है। वो कहाँ से, वो जो इस समाज की है ही नहीं, वो उस समाज का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगी। तो यहाँ पर आपको यह भी समझ में आएगा कि शेड्यूल कास्ट का ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन संसद में नहीं था बल्कि झूठा रिप्रेजेंटेशन जो है वो आज तक वहाँ पर रहा है। और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का जो हक है वो मारने का काम भी नवनीत राणा की तरफ से हुआ है। आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नवनीत राणा कौर यह तमाम सारे लोगों की, पूरे देश के लोगों की आइकन है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने यह जब काम किया है, यह जो मामला सबके सामने आया, उनकी जो रिस्पेक्ट लोगों के मन में थी, उनके लिए जो चाहत लोगों के मन में थी, अब वो धूमिल होते जा रही हैं और उन्होंने यह जो काम किया है ये पूर्ण तरीके से असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है और तमाम इस देश के बहुजन समाज में, खासकर शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ उन्होंने जो धोखा किया है वो बहुत खतरनाक है और ये शेड्यूल कास्ट के लोगों को समझना होगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।